الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی رب العالمین جل جلالہ جل شانہ کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے ہیں ان مبارک الفاظ کے اندر رب ذوالجلال نے روز محشر کا ذکر فرمایا ہے. قیامت کے دن بندے کو کیا چیز فائدہ دینے والی ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت والے دن نفع نہ دیں گے مال اور بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا. جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہی اس کو نفع ملے گا قلب سلیم کا. ماں سوائے اس کے جو بھی تمہاری دولتیں ہیں مال اور بیٹے, مالوں ولا بنون, ایک مال اور ایک بیٹے. دنیا میں انسان کی زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے وہ ان دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے. پوری زندگی آپ دیکھیں, آپ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دن میں رات میں جو تگو دو کر رہے ہیں, اس ساری تگو دو کا مقصد, اس کے پیچھے جو محرکات ہیں آپ کو چلانے اور بھگانے کے پیچھے جو محرکات ہیں, یا مال کی دولت کی محبت ہے, یا پھر اپنے بیٹوں کے لیے کچھ کرنے کا فکر ہے, اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا غرض ہے, یہی ہے. بولو, یہی کچھ ہے. آپ تصور کریں کہ آپ جو کچھ دنیا میں محنت اور مشقت کر رہے ہیں, یا تو مال کمانے کے لیے, یا پھر اپنے بیٹوں کی, ان کے مستقبل کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, ان کے گھر بسانے کے لیے آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں, اس ساری زندگی کی محنت اور تگو دو کے پیچھے یہی دو باتیں ہوتی ہیں, یا مال یا اولاد. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجدور ہیں, ایک اعلان فرما دیا ہے کہ بندے دنیا میں تو یہ مال تجھے نفع دے گا, دنیا میں یہ بیٹے تجھے فائدہ دیں گے, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, جب تو اللہ کے حضوری میں پیش ہوگا, جب مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی حاضری میں
उसकी पेशी में, उसके बारगाह में जब तेरी पेशी होगी तो उस दिन ये माल और ये बेटे तुझे काम नहीं देंगे। उस दिन क्या नफा देने वाली चीज होगी? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, वो दिल जो सलामती वाली दिल है, वो दिल जो अल्लाह के याद में सरशार रहने वाली दिल है, वो कल्ब जो इश्के मुस्तफा से भरा है, वो कल्ब, वो बातिन जिसके अंदर अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत बसी हुई है, ये दिल कयामत वाले दिन तुम्हें नफा देगी। ऐज़ाने मोहतरम, अब यहां आकर लोग बट जाते हैं, फकीर अल्लाह वाले और दुनियादार, दुनियादार और अल्लाह वाले, अब ये तकसीम हो जाती है बात। एक है जो सारा दिन दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, उस उनकी भागम भाग जो कुछ भी है वो माल और बेटों के लिए है, ये दुनियादार बन जाते हैं। और दूसरे वो हैं जो अपने कल्ब को सलीम बनाते हैं, अपने दिल को इन मोहब्बतों से पाक बनाते हैं, वो अल्लाह वाले बन जाते हैं। बोलो वो क्या बनते हैं? इसका मकसद ये नहीं कि वो अल्लाह वाले जो है वो दुनिया को छोड़ देते हैं, बेटों को छोड़ देते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं, दुनिया का काम करना छोड़ देते हैं। नहीं, वो काम भी करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं है, वो दिल में दाखिल नहीं करते। अब देखें, किश्ती है, उस किश्ती के नीचे अगर पानी होगा तो किश्ती तैरेगी, अगर पानी अंदर दाखिल हो जाए तो किश्ती, बोलो वो किश्ती डूब जाएगी। तो अल्लाह वालों के जो दिल होते हैं वो उस किश्ती के मानंद होते हैं जिसके अंदर, उस किश्ती कल्ब के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती। वैसे दुनिया उनके हाथ में होती है, कामकाज करते हैं, हलाल का रोजगार करते हैं, लेकिन उस अपने दिल को इस दुनिया की आलाश से पाक रखते हैं, ये कल्ब सलीम कहलाता है। बोलो ये क्या है? कल्ब सलीम। और जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो जाए तो ये कल्ब मरीज कहलाता है। इसको कहते हैं, बस बंद कर, इसको क्या कहते हैं? कल्ब मरीज। ये मरीज दिल हो गया जो बेटों की मोहब्बत में गमजदा रहने लगा, जो माल और दौलत की मोहब्बत में गमजदा रहने लगा, ये कल्ब कल्ब मरीज कहलाता है। और कयामत के दिन ये कल्ब मरीज जब बंदा लाएगा तो ये दुनिया और दौलत, ये माल और मनसब उसे कोई नफा नहीं देंगे, लेकिन जो कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास आ गया तो ये दुनिया भी उसे नफा देगी, ये बेटे भी उसे नफा देगी। आप मेरी बात को समझें, तवज्जो के साथ समझें कि अहले दुनिया और अहले दिल, दुनियादार और फकीर, अल्लाह वाले, उनका फर्क क्या है? वो जो दिन रात अपने दिल में दुनिया को बसाए बैठे हैं ये अहले दुनिया हैं, ये कल्ब मरीज वाले हैं। और जो हाथ में तो दुनिया है लेकिन दिल में दुनिया नहीं है, ये है कल्ब सलीम वाले और ये है अल्लाह वाले। अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने दुनिया इकट्ठी कर ली, आपने बंगला भी बना लिया, आपने अपने लिए दुकान भी खरीद लिया, आपने कारोबार भी कर लिया, आपने जमीन खरीद ली, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन अगर कल्ब को सलीम नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं पाया। करोड़ों रुपए हासिल कर लिए लेकिन कल्ब सलीम न हुआ तो कुछ भी न हासिल किया। लेकिन अगर बजाहिर आपके हाथ खाली हैं लेकिन कल्ब सलीम है,
तो आप बादशाह हैं, यकीन जाने आप बादशाह हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास कल्बे सलीम है, वो कल्बे सलीम वाला बंदा अगर जंगल में बैठ जाए तो जंगल में भी अल्लाह ताला मंगल बना देता है, उसको कभी भूखा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह से लो लगाता है, जो दिल में अपने रब को बसाता है, वो कभी मुफलिस नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता। वो अगर दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ हो, लेकिन जब कल्बे सलीम होता है ना, उसको कोई घबराहट नहीं होती, वो कभी परेशान नहीं होता। कराची के लोगों, कल्बे सलीम बना लो फिर चलते रहो, कराची घूमते रहो। आज तुम निकलते हो तो दिल परेशान है कि कहीं से गोली ना आ जाए, कहीं फायरिंग ना हो जाए, कहीं ये खुद कुछ बम्बार ना आ जाए। ये दिन रात परेशानी में बसर हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कल्ब कल्बे सलीम नहीं है, कल्ब दुनिया की मोहब्बत में घिरा हुआ है। दोस्तों मोहतरम, जब कल्ब कल्बे सलीम बन जाए तो फिर मुझे गम नहीं है इसका, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे इश्क ने बना दी, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। सुभान अल्लाह। फिर सबसे बड़ा खुशहाल आदमी ये है, बादशाह ये है, दुनिया के अंदर कामयाब ये है जिसने कल्बे सलीम हासिल कर लिया। हमारे पीरो मुर्शिद के मुर्शिद कुतबे आलम हजरत पीर मिठा सिंह रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक शेर है, यह दिल है तूर तजल्ला, यह दिल है अर्श मुअल्ला, यह दिल है तूर तजल्ला, यह दिल है अर्श मुअल्ला, यह दिल है मेहराब मुसल्ला, यह दिल है मेहराब मुसल्ला। पर हो वने बाख्त भनेरी तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच देरे, लाए दिल बर दिल विच देरे, तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल बर दिल विच देरे। मैं को हिक दी सिक या धीरी तेरे देखण दे विच फेरे, लाए दिल पर दिल विच देरे। सुभान अल्लाह। अजर मोहतरम, ये दिल जो है ना, ये कल्ब, ये सब कुछ है। ही दिल विच जुमान जहाने, इही दिल विच जुमान जहाने, इही दिल विच मतलब कुराने, हो दिल विच जुमान जहाने, इही दिल विच मतलब कुराने, इही दिल विच जुमान जहाने।
ਹਿਮੇ ਹਰ ਦਮ ਦਿਲ ਬਰ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار آپ کے جسد میں، آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ بِفَسَادِهَا سائر الجسد، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جائے تو اس کے بگڑنے سے پورا بدن بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے، اگر دل سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، جب یہ دل مریض ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے حبیب کے در سے دور ہو جاتا ہے، اس کو سنت نہیں بھاتی، اس کو شریعت نہیں بھاتی، اس کو نیکی کا راستہ نصیب نہیں ہوتا، میرے دوستو جب یہ دل سدھر جائے تو پھر وہ جب گردن جھکاتا ہے تو مدینے والے کے دیدار کر لیتا ہے، الٹی ہے چال چلتے، الٹی ہے چال چلتے یہ دیوان گانے عشق، ارے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ گردن جھکاتے ہیں تو اپنے یار کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے قلب سلیم، یہ کیا ہے؟ قلب سلیم، دوستان محترم جنہوں نے اپنا قلب قلب سلیم بنا لیا، دنیا کی محبت سے دل کو پاک بنا لیا، جاؤ منصب عزت شہرت ناموری کی محبتوں کو دل سے باہر نکال پھینکا، یہ دل قلب سلیم بن گیا، پھر جب قیامت کا دن ہوگا مالدار وہ پریشان کھڑے ہوں گے، دنیا والے اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ قلب سلیم والے حکم ہوگا ان کو اے فرشتوں ان کو لے جاؤ جنت میں بلا حساب و کتاب، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں، ان پر کوئی قد غن ہی نہیں، لے جاؤ ان کو جنت میں۔ ایزان محترم تو آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے، وہ زندگی دنیا کی جس میں آپ آدھی عمر کھا چکے، کسی نے تین حصے عمر کے پورے کر لیے، کسی کی پتہ نہیں باقی کتنے لمحے بچے ہوں، زندگی کا ایک حصہ تو ہمارا بیت چکا ہے، باقی نہ جانے کتنی زندگی بچی ہے، اس کے لیے تو آپ نے بھائیوں دوستوں بہت کچھ بنا لیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ وہ بھی تیار کر لو جو اس دن کام آنے والا ہے، وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی کہ پھر یہاں آپ کو واپس لوٹ کر نہیں آنا، یہ 60-70 برس کی زندگی گزر جائے گی، پھر ہمیشہ 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 کے لیے آپ کو آخرت میں رہنا پڑے گا۔ عزیزان محترم اس دن کے لیے رب کائنات نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، کیا کام آئے گا؟ یہ دل، جو دل بولتا ہے اللہ اللہ
निगाह मत दो। इस दुनिया की चीजों के लिए हाथ काफी है, हाथों में बेशक रखो, घरों में बेशक रखो, लेकिन दिल के अंदर दुनिया को जगह मत दो। इस दिल के अंदर किसको जगह देनी है, इस दिल के अंदर किसको बसाना है, आओ फकीर बताता है। इस दिल के अंदर अगर समाना है, बिठाना है, रखना है, इस दिल के अंदर बिठाना है तो मदीने वाले आका को बिठाना है। आ दिल में तुझे रख लो ए चल गए जानाना, आ दिल में तुझे रख लो में भी कह देना ये मेरा है दीवाना, मैं शर में भी कह देना ये मेरा है दीवाना। आ दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे, आ दिल में तुझे रख लो ए जलवे जानाना। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों दीद लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे मुझे दीवाना। आ दिल में तुझे रख लो ये जलवे जानाना। जो उस जाने जाना को दिल में बिठाते हैं, जो दिल में अपने महबूब हकीकी को जगा देते हैं, खुदा की कसम जब दिल के अंदर यार का जलवा बस जाए, वो आंखें बंद करते हैं तो मदीने वाले का दीदार कर लेते। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में हम एक दावत में गए, वो अरबों की दावत थी, सारे अरब लोग थे, अहले मदीना थे। एक बड़े मियां बड़ी उम्र वाले थे, उन्होंने अपने घराने का एक वाका बताया। उन्होंने कहा कि हम असल यमन के थे, हमारे अजदाद में से कोई चौथी पांचवी छठी पुश्त में कोई हमारे दादा थे, वो यमन से यहां मदीना मुनव्वरा आए एक काफले के साथ। काफले के साथ मदीना मुनव्वरा आए, वो तबीयत में बड़े भूले भाले थे, सादा मिजाज थे। साथियों ने कहा कि भाई तू सामान पे रुक जा, ये काफला, ये ऊंट, ये घोड़े, ये सामान है, तू इधर चौकीदार बन के बैठ जा, हम दीदार करके आते हैं, फिर तू चला जाना। मेरे दादा जान को वहां अपने सामान पर बिठाया और वो सारे लोग काफले वाले चले गए मदीना मुनव्वरा, गुंबदे खदरा के मकी के बारगाह में पहुंचे, हुजूर की दरबार में सलाम किया, हाजरी दी। अब वापस जब लौटे तो ये पूछने लगे कि मेरे आका का दीदार करके आए हो? उन्होंने कहा हां हम दीदार करके आए। अब ये तबीयत के सादा मिजाज भूले भाले से थे, इन्होंने ये समझा कि ये जो गए हैं तो हुजूर ने सलातो सलाम से गले लगे होंगे, हुजूर के हाथ चूमे होंगे, हुजूर हयात में भी हैं, ये मिले होंगे, हुजूर का दीदार किया होगा, हुजूर की कचहरी में बैठे होंगे, मेरे आका के साथ इन्होंने कचहरी और गुफ्तगू की होगी। अब इसके जहन में ये तसव्वुर था। लोगों ने कहा
कि हाँ यार हम तो दीदार करके आ गए हैं। बोला अब मैं जाता हूं, अब वो सारे काफले वाले इधर रहे, ये अकेले गए। जब मस्जिदे नबवी में दाखिल हुए, जब गुंबदे खदरा के करीब आए तो इधर उधर देखने लगे कि मेरे आका कहाँ है, हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, मेरे यार कहाँ है, मेरे दिलदार कहाँ है, मेरे महबूब कहाँ है। अब जाली मुबारक तो देख रहे हैं, मस्जिद के दरो दीवार तो देख रहे हैं, लेकिन बजायर हुजूर का दीदार नजर नहीं आता। अब वो रोने लगे कि मेरे महबूब किधर गए, मुझे क्यों नहीं अपना जलवा दिखाते। वो मवाजा शरीफ पे आए, कभी कदमों में जाते हैं, कभी सिराने आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दीदार कराओ, मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ, मेरे काफले वाले सब तो मिल गए, मैं अकेला रह गया, कहां गए या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार क्यों नहीं कराते, मेरे आका मुझे जलवा क्यों नहीं दिखाते, आप कहां है मेरे महबूब, किधर आपका मुखड़ा देखूं, किधर आपका दीदार करूं। ये ऐसे पुकार रहा है, रो रहा है, अचानक गुंबदे खदरा की चाली खुली और हुजूर आका है तो जहां जलवा कर हुजूर जलवागर हुए और इस आशिक ने मेरे आका का इन आंखों से दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हयातुन नबी है, आज भी अपने मोहब्बत वालों को जो दिल में यार को बसा लेते हैं उनको यूं ही दीदार कराए जाते हैं। कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उलम, कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उलम, दीद जलवो की अता कीजिए आंखें नम, कर दो सुभान अल्लाह। दोस्तों मोहतरम, ये हैं कल्ब सलीम वाले जो दिल में हुजूर की मोहब्बत बिठाते हैं, फिर उनको यूं मेरे आका के जलवे भी दिखाए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मोहतरम। उम्र बीत गई, हमारी जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक हमने अपने कलब को नहीं संवारा, आज तक हमने अपनी दिल को नहीं जिला और रोशनी दी। जिंदगी गफलतों में, दिल गुनाहों में स्याह हो गया। अरे दोस्तों, इस महफिल के सजाने का मकसद यह है, यहां पर आने का मकसद और मतलब यह है कि ये दिल कल्ब सलीम बन जाए। दोस्तों, अगर चाहते हो ये दिल सलीम बन जाए तो आज कोशिश करो, आज मेहनत करो इस दिल को संवारने की। दुनिया तो बड़ी इकट्ठी कर ली, लेकिन दोस्तों आज इस दिल को संवारने की भी फिक्र लेकर जाओ। ये दिल किस तरह रोशन होती है, ये दिल किस तरह सलीम बनती है, जब कहोगे अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे अफराद में गई, खुदा को नार जायो से, जाहिर जुर्दा इबाद
ਕਰ ਰਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ ਪਾ ਤੋ ਸੇ ਸੁਨਤ ਰਖਾਇਓ ਸੇ ਪਰ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਕੀਰੀ ਕੂਲ ਜਾਇਓ ਸੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਕੀਰੀ ਕੂਲ ਜਾਇਓ ਸੇ ਮੇਰੇ ਅਵਰਾਤ ਇਵੇਂ ਗਈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਾ ਰਿਝਾਇਓ ਸੇ। ਅਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਤੋ ਹੋ ਲੋ, ਭਲਾ ਦਿਲ ਕੋ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦਿਲ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਕੇ ਆਂਸੂ ਤੋ ਬਹਾਓ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਲੀਮ ਕੀਆ ਹੋਤਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮਾਂਗੋ, ਯੇ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਅਜੋ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਯੇ ਕਲਬ ਕੀ ਸਿਆਹੀ ਕੋ ਧੋ ਡਾਲਤੇ। ਕਪੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਾਬੂਨ ਸੇ ਧੋਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਰਫ ਲਗਾ ਕਰ ਧੋਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਦਿਲ ਜਬ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਕੇ ਆਂਸੂ, ਯੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਂ ਰੋਨੇ ਵਾਲੇ ਆਂਸੂ, ਇਸ ਦਿਲ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਕੋ ਧੋ ਡਾਲਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਲ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਰੋਨਾ ਯੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਂ ਗਿੜਗਿੜਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਬੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਬਣਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਹੋ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਥੀ ਘੁਰੇ ਮੁੰਜੀ ਦਿਲ ਲੋ, ਵਰ ਮੁਹਬਤੀ ਮੁਸਾ ਮਿਲਵੋ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਥੀ ਘੁਰੇ ਪ੍ਰੀਥੀ ਵਾਦੀ ਘਰੇਰਾ, ਤੁਝੇ ਜੋਸ਼ ਜਲਾਇਆ ਜੇਰਾ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਥੀ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਥੀ ਘੁਰੇ, ਹੈ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਥੀ ਘੁਰੇ ਮੁੰਜੀ ਦਿਲ ਲੋ, ਵਰ ਮੁਬੈ ਚੀ ਮੁਸਾ ਮਿਲਵੋ। ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਥੀ ਘੁਰੇ ਸੁਖ ਸਬਰ ਕਰਾਰ ਵਿਆਥ ਮੇ, ਅਚੇ ਦਿਲ ਮੇ ਪੇ ਚਪਿਆਥ ਮੇ। ਦਿਲ ਲਗਾਇਓ ਅਰਬੀ ਫੋਟ ਸਾ, ਦਿਲ ਲਗਾਇਓ ਅਰਬੀ
अल्लाह अजी हुंगार फकीरो अजी हुंगार ओ जिक्र कमायो जिक्र कमायो जिक्र कमायो जिक्र कमायो जिक्र में बेड़ा पार फकीरो अजी हुंगार हुंगार वकीरो हुंगार वकीरो हुंगार अल्लाह 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 जो जिक्र कयो दिल के रोशन करण चाहो था तो रब जो जिक्र कयो जिक्र ये कयो जो भली मानू तवां के चरियो सदन दुनिया चे ही चरिया फकीर है चरियो आया मोहब्बत में चरियो आया मोहब्बत में चरियो कयो आ मस्त महबूब तेरे बत में वरणो ना वरो दुनिया खिले परवाह ना है मजाकू थन ठठोलू थन परवाह ना है यार राजी हो जे बेसा सा जो छा वजे दुनिया हंसती है तो हंसने दो कोई पागल कहता है तो कहने दो हाँ हम मदीने वाले आका के पागल है उस दर के दीवाने हैं उस आका के दर के मस्ताने हैं यही तो हमारी मेराज है दोस्तों मोहतरम ये कल्बे सलीम तब नसीब होगा जब अल्लाह का जिक्र करोगे और अपने पीर कामिल से मोहब्बत रखोगे अपने पीरों मुर्शिद से मोहब्बत रखो अपने दिल के अंदर जब चाहते हो मदीने वाले आका की मोहब्बत नसीब हो तो उसकी सीढ़ी ये है उसका पहला कदम ये है कि अपने पीर के साथ मोहब्बत रखो कि मुर्शिद की मोहब्बत से फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलती है और रसूल अरबी की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत होती है दोस्तों मोहतरम जब अपने मुर्शिद कामिल की सोबत में बंदा जाता है और उसकी निगाहें करम होती है फिर अल्लाह का जिक्र बंदा करता है फिर ये कल्बे मरीज कल्बे सलीम बन जाता है ना छोड़ मुर्शिद दा दर्दी ही दर्दे तू मन मरड़ी ना छोड़ मुर्शिद दा ओ ये दिल चाहे पीर का मिल को चाहे पीर दिल भर को पीछे ना कर खौफ खतरड़ी पीछा ना कर खौफ छोड़ मुर्शिद दा दरड़े ओ ये दुनिया को ला चूची यही दुनिया को ला चूची यही दुनिया को ला चूचे ना मैसी नाल दा दरड़े
अपने पीर और मुर्शिद से मोहब्बत रखो, उनके दर पे आने से। मेरे दोस्तों, ये जो कदम है उठा के अपने पीर के दरबार में जाते हैं, ये कदम बंद नहीं करने हैं। ये जाना आना, ये दोस्तों अपने पीर की सोबत में बैठना, ये यही वो घड़ियां हैं जो हमारे हजारों गुनाहों का कफारा बन जाती है। यही वो महाफिल है जो कल्बे मरीज को कल्बे सलीम में बदल देती है। दोस्तान मोहतरम, ये महाफिल को मत छोड़ो। इन महाफिल में आने जाने से अगर कोई रोकता है तो ये समझो कि वो आपका खैरखा नहीं, वो बदखाह है जो अच्छी महफिल से आपको रोक रहा है। इस महफिल को मत छोड़ो, ये आना जाना कायम और दायम रहेगा। एक दिन ये कल्बे सलीम बन जाएगा। फिर जब ये कल्ब सलीम हो गया तो कयामत वाले दिन तुम्हें बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जिस दिन दुनिया वाले, करोड़ों वाले, कोठियों वाले, मिल्कियतों जायदादों वाले वो हिसाब में फंसे होंगे, ये फकीर लोग, ये जिक्र करने वाले बिना हिसाब और किताब जन्नत में चले जाएंगे। हाँ? तो दोस्तान मोहतरम, ये महफिल कदा ना करो। और इंशाअल्लाह अगला महीना जो आने वाला है, यही महफिल यही दरबार, अगला महीना जमाद सानी की 20 तारीख पड़ती है और मई की 12 तारीख, 12 मई की शाम, हफ्ते की शाम, इतवार की रात। ये तो दिन को हो रहा है ना, अब वो सालाना प्रोग्राम मेरे पीरो मुर्शिद का होगा। कुदवतुल औलिया हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक। यूं समझो कि एक रहमत की बारिश बरसेगी, एक रहमत की बारिश बरसेगी, आके हम भी झोलियां भरेंगे। और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से उलमा और मशायख, अकाबरीन अहले सुन्नत, उलमा और अल्लाह के सालहीन बंदू की एक कसीर जमात यहां इसी स्टेज पे जलवा घर होगी। आप चाहें कि एक महफिल में कई अल्लाह के बरगुजीदा बंदू का दीदार नसीब हो जाए तो आकर करना इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से दावत अर्ज कर रहा हूं और आप पर यह जिम्मेदारी लगाता हूं कि यह दावत आप आगे जाकर दूसरों को भी देंगे। हाथ खड़े करें, यह दावत आप औरों तक भी पहुंचाएंगे। तो उस दिन जो भी गाड़ी चलेगी उसका रुख सालेहाबाद की तरफ होगा। हर जिबां पर अल्लाह अल्लाह की सदा होगी और हर दिल का रुख सालेहाबाद की तरफ होगा। जोक दर जोक फुकरा लोगों को यह गुजारिश है कि हर तरफ से यहां इकट्ठे होने हैं और अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के हबीब को मनाने की यह रात होगी इंशाअल्लाह। इस महफिल में जब अल्लाह वाले हाजिर होंगे और पीरो मुर्शिद का उर्स मुबारक होगा तो उस महफिल में हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया और सिलसिला आलिया कादरिया के जितने भी मशायख हैं उनके अरवाह भी जलवा गर होंगे, उनके अरवाह की भी यहां पर निगाह करम होगी और उनकी जलवा गरी होगी। इंशाअल्लाह हम जैसे गुनहगारों के बेड़े पार हो जाएंगे। तो ये एक मरतबा फिर मैं आपको दावत अर्ज करता हूं कि 12 मई इंशाअल्लाह ताला हफ्ते की शाम, इतवार की शब, अगला जमाद सानी का तीसरा इतवार, हफ्ते की शाम इतवार की शब को इसी दरबार सालेहाबाद कराची में इंशाअल्लाह ताला ये रूह परवर, रूहानी, इरफानी और वजदानी महफिल होगी। और इसमें इंशाअल्लाह मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो लखते जिगर हैं, उनकी दिस्तार बंदी भी होगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह फारिगु तहसील हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म बा अमल नसीब करे, तो उनकी दिस्तार बंदी भी होगी। तो इस महफिल मुहम्मदी में आप सब ने शिरकत करनी है। अल्लाह तबारक व ताला
हम सब के हाल पे रहम करम फरमाए और हमें कल्बे सलीम अता फरमाए, दुनिया आखरत की कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين نستغيث برحمتك يا ارحم الراحمين